नमस्कार दोस्तों आज से ठीक दस दिन का समय बचा है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स के लिए 16 जून को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अब कंप्लीट हो चुकी होगी और या एकदम अंतिम चरण में होगी जैसा कि ये समय के लिहाज से भी अब अंतिम दौर चल रहा है या परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ऐसी स्थिति में इन लास्ट टेन डेज में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए अगर आप इन दस दिनों में भी औस्तन चौदह घंटे पढ़ेंगे जो कि एक अच्छा स्टूडेंट ज़रूर पढ़ता है और पढ़ना चाहिए तो अभी लगभग आपके पास 140 घंटे का समय बचा हुआ है इस 140 घंटे को कैसे आप बेहतर ढंग से यूज करें या इन 140 घंटे में क्या करें और क्या नहीं करें मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ दो चार ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों अब जो ये समय है ये किसी नई तैयारी या नई चीज़ को पढ़ने का समय नहीं है बल्कि अब पूरी तरह से आपको फोकस करना है रिवीजन के ऊपर बहुत समय मिला आपको पढ़ाई के लिए एक साल दो साल छः महीने आप में से जो लोग जब से पढ़ाई कर रहे हैं छः महीने साल भर में कितना पढ़ा अब ये सही समय है उस पढ़े हुए का रिवीजन करने का जिस तरीके से यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं जब तक आपको फुल प्रूफ जानकारी नहीं होगी चीज़ें एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट याद नहीं होंगी तब तक आप कूट वाले प्रश्नों को सही ढंग से हल नहीं कर पाएंगे मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि सिविल सेवा परीक्षा में दो चीज़ें जहर मानी जाती हैं क्रांति और भ्रांति प्रिलिम्स में भ्रांति होगी तो ये आपके लिए जहर हो जाएगी जब तक 100 परसेंट या डेट श्योर नहीं होंगे आप किसी तथ्य किसी जानकारी को लेकर तब तक एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक और दो ठीक हैं या एक दो तीन ठीक हैं या कितने कथन सही हैं कितने गलत हैं जिस तरीके की अब प्रश्न पूछ रहा है यू और उसके लिए ज़रूरी है कि जो पढ़ा है उसे रिवाइज करें ताकि कन्फ्यूज़न और भ्रांति की गुंजाइश कम से कम हो जाए हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपको इस दौरान कोई ऐसी चीज़ याद आती है पता लगती है कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था और आपसे रह गया तो उसे ज़रूर आप थोड़ा समय निकाल के देख लें उसमें भी विशेष रूप से करेंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ ऐसा हो सकता है आप इन दस दिनों में जब रिवीजन कर रहे हैं अचानक पता लगता है कि चार महीने पहले यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी थी पॉलिटी से जुड़ी हुई या इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई और इसे मैं नहीं देख पाया तो उस तरह की चीज को तो जरूर आप अपनी उस समझ अपनी उस नॉलेज में एड ऑन कर लें क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में चर्चा की है कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी पूछता है ये करंट अफेयर बेस्ड प्रश्न जो प्रिलिम्स में जीएस के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं वहाँ से जुड़े भी हो सकते हैं और या जो आपके हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी जैसे बेसिक कुछ टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए करेंट अफेयर्स भी हो सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने पॉलिटी से जुड़े कुछ ऐसे इशूज आपको बताए थे जिन पर मेरा कहना था कि इनको आप विशेष रूप से तैयार कर लें पिछले छः आठ महीने में काफी चर्चित घटनाएं रही हैं तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है तो मान लीजिए आप रिवीजन कर रहे हैं अचानक आपको याद आया या पता लगा कि चुनाव आयोग ने जो इस बार चुनाव करवाए कई सारे ऐप बनाए थे उसने चुनावों को बेहतर ढंग से संपन्न करने के लिए अब एक सी बिजिल ऐप था या ऐसे कई और ऐप थे और आपको लगा कि यार ये तो भूल गए ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि वो कौन कौन से ऐप बनाए थे चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप किस पर्पज से था और कितना सफल हुआ चुनाव आयोग के नहीं हुआ सी विजिल ऐप का ही काम क्या था जनता को चुनाव धांधली से जुड़ी कोई शिकायत करनी थी तो किस ऐप पे जाके करते? तो फिर ऐसी स्थिति में जरूर आप दस मिनट का समय निकालें और वो सारे ऐप एक बार देख लें कि कौन कौन से ऐप बनाए थे चुनाव आयोग ने और किस ऐप का क्या काम था मैंने देखेंगे आप तो इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में आप जाएंगे तो वो सारे ऐप का डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है वहाँ कि कौन कौन से ऐप जारी किए चुनाव आयोग ने और किस ऐप का क्या पर्पज़ था पाँच मिनट में आपका काम दस मिनट में आपका काम हो जाएगा तो इस तरह का कोई नया जरूर आप पढ़ सकते हैं अदरवाइज़ जो अब तक आपने पढ़ा उसको रिविजन करना है पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को ज़रूर देखना है अगर नहीं देख पाए तो फिर थोड़ा समय निकाल के उसको ज़रूर देख लेना है एक जून 2023 से लेके 15 मई 2024 तक का करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं किया वैसे तो किया ही होगा फिर भी कुछ छूट गया तो इसको ज़रूर कर लें और इसमें भी पिछले छः महीने का विशेष रूप से हाँ अब आपको अब जो रिसेंट करंट अफेयर्स चल रहा है मैगजीन न्यूज पेपर अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दस दिन का समय बचा है पेपर ऑलरेडी बन के रेडी है तो आज कल हमारे देश दुनिया में क्या घट रहा है अब इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बात करें करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है पंद्रह मई या बहुत चलें तो बीस मई तक का एक महीने पहले तो हम मान के चलते हैं कि यूपीएससी अपने पेपर बना ही लेगा तो एक महीने पहले तो पंद्रह से बीस मई तक मैक्सिमम तो फ़िलहाल अब आप इन दस बारह दिनों में कोई न्यूज़ नहीं भी पढ़ेंगे मैगज़ीन नहीं भी पढ़ेंगे तो उसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है एक काम जो और मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए आपने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाई होंगी लेकिन मुझे लगता है कि अब इन दस दिनों में कम से कम दस टेस्ट पेपर आप ज़रूर सॉल्व कर लें दस जी एस के और उसी तरह से दस सी सेट के तो टोटल तो ट्वेंटी जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे रिसेंटली कर लेंगे ह्यूमन इरर की गुंजाइश एग्जाम हॉल में उतनी कम हो जाएगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई चीज़ ऐसी है जो पढ़ाई के दौरान छूट रही है वो भी पता लगेगी तो अभी आपको अपनी कमियाँ ठीक करने का दस दिन का समय है तो आप उसमें वो कर भी पाएंगे हालाँकि पढ़ाई अंतहीन है जितना सिलेबस है कभी भी हंड्रेड परसेंट हम सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं कि जब कहें कि हाँ अब हमने सब पढ़ लिया कुछ नहीं छूटा अब तो सौ में से सौ प्रश्न हम कर ही देंगे या सौ ना सही अस्सी और नब्बे तो कर ही देंगे तो ऐसा यूपीएससी के एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा कम से कम कभी नहीं होता वो ऐसा मैक्सिमम वाला पॉइंट तो कभी नहीं आता ये एक निरंतर एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है कि हम पढ़ते रहें अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें फिर भी फिर भी अपनी तरफ से बस बेस्ट करना है जो समय मिला उसमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है हतोत्साहित नहीं होना है पूरे मनोबल से जाके फिर परीक्षा देनी है तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन सारी चीज़ों में आपको मदद मिलेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मैं कहूँगा कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक या अब इन दस दिनों में जैविक घड़ी के अनुसार ज़रूर चलने का प्रयास करें प्रकृति ने जैसा हमें बनाया जब सोने का समय है तब सोएं जब उठने का समय है तब उठें जब खाने पीने का समय जब अभ्यास जब व्यायाम करने का समय है तो करें तो एटलीस्ट अब इन दस दिनों में बेहतर है कि आप प्रकृति के बनाए सिस्टम के अनुसार चलें अपने आप को ढालें तो अच्छा होगा कई लोगों की रात भर पढ़ने की आदत है दिन में सोते हैं ज्यादातर लोग ऐसे ही लेकिन मैं सलाह दूंगा कम से कम अब इन दस दिनों में आप प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालें जिस समय 16 जून को यूपीएससी का एग्जाम है अगर आपको उस समय सोने की आदत है तो फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत अनइजी फील होगा आप पूरे एनर्जी पूरे उत्साह से परीक्षा में शामिल शायद नहीं हो पाएंगे तो जो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम का टाइम है प्रयास करें कि अगले दस दिन एटलीस्ट उस टाइम पे ज़रूर आप पढ़ें और बेहतर है कि उसी टाइम पे आप जो ये टेस्ट पेपर हल करने हैं वो कर लें जीएस के समय पे जीएस का पेपर हल करें बिल्कुल उसी तरह से अपने रूम को मान लें कि एग्ज़ाम हॉल है टेबल कुर्सी पे बैठें पेपर लें ठीक नाइन थर्टी जब पेपर शुरू होता है तो जीएस एस दो घंटे बिल्कुल घड़ी में टाइम देख के जी हल करें फिर ब्रेक लें उसी तरह से सी सेट पर 2:30 से 4:30 जो भी समय है बिल्कुल या उल्टा कि सी सेट पहले जी एस बाद में जी एस पहले सी सेट बाद में कहने का मतलब कि अगले 10 दिन उन्हीं दो घंटे में वही पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न उसी माहौल में हल करने का प्रयास करें जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में होना है तो केवल अभ्यास काफ़ी नहीं है यहाँ उसी समय उसी माहौल में अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है तो आप बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करने का प्रयास ज़रूर करें अंत में यही कहूँगा कि जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें नया कम जो पढ़ चुके हैं रिवीजन ज़्यादा हाँ करंट अफेयर्स में कुछ छूटा दिख रहा है तो जरूर अब ये दस दिन आपके लिए करो या मरो डू एंड डाई वाली सिचुएशन की होने चाहिए दुनिया का सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल के इंटरनेट सोशल मीडिया टाइम पास अब इन दस दिनों में कम से कम इन चीज़ों को जितना मिनिमाइज करें जितना इस तरह की डिवाइसेस से दूर रहें जितना ज़्यादा फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, जितना टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं करें और तब जाके फिर 16 जून के एग्ज़ाम में शामिल हों और केवल शामिल नहीं हों बल्कि परीक्षा पास भी करें बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद